करता था? देखिए, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, जो मीडिया वगैरह से खबरें आ रही हैं जो आपने बोला उसको देख करके अगर मैं बताऊं तो उसमें यह है कि जो सनातन धर्म है वो शाश्वत सत्य के खोज में रहता है, और ये जो प्रयास चल रहा है सनातन धर्मियों ने ये बोला कि भाई सत्य क्या है उसकी खोज की जाए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है छोटा है किसी को कब्जा करना है, और जो सत्य निकल करके आएगा उसी जो है सत्य के आधार पर निर्णय होगा। एक चीज आप और मान लीजिए, जहां मस्जिद बनती है कुरान वगैरह इस्लाम के हिसाब से भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वो भूमि पवित्र हो और वहां किसी भी तरीके का इस तरीके का दूसरे जो है पूजा स्थल नहीं होने चाहिए। इस्लाम भी इसकी जो है इजाजत नहीं देता है कि अपवित्र भूमि पे या दूसरे धर्म की भूमि पे जहां मंदिर वगैरह हो वहां पे मस्जिद बनाया जाए। अब इस सत्य की खोज में जो सारे प्रमाण आ रहे हैं उसको माना जाए तो ये माना जाएगा कि जो हिंदू पक्ष बोल रहा है वो सही लग रहा है। और एक चीज और बोलूं, आपने ओवैसी जी की बात बोली, ओवैसी जी कोई बहुत बड़े खलीफा तो है नहीं, तो मैं तो ये बोलता हूं ये तो मंदिर की शुरुआत है। कहीं ऐसा ना हो कि खाने खाबा में भी अगर ये चीज जो है व्यवस्था हो जाए और वहां सर्वे शुरू हो जाए तो वहां पे भी शिवलिंग निकल जाए, और ओवैसी जी के डीएनए का सर्वे हो जाए तो उसमें भी सनातन निकल आएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, ओवैसी जी के अंदर हिम्मत है तो वो अपने डीएनए का सर्वे करवाए और उसमें हिंदू का डीएनए ना निकले उनके पूर्वजों का तो बताइएगा।